हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम सीखने जा रहे हैं हाउ टू सॉल्व 3x3 रूबिक्स क्यूब। तो ये सेकंड पार्ट है। जैसे फर्स्ट पार्ट में हमने अपना फर्स्ट लेयर कंप्लीट करी थी, तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आपको ये वाला पार्ट सही से नहीं समझ आएगा। पहले आप फर्स्ट पार्ट जाके देखो एंड देन सेकेंड, एंड देन बाद में मैं थर्ड बनाऊँगा एंड देन आप बाद में थर्ड देख लेना। सो दिस इज हाउ टू सॉल्व 3x3 रूबिक्स क्यूब। एंड नाउ फर्स्ट लेयर हमारी हो चुकी थी। सेकेंड लेयर इज़ द ईजिएस्ट पार्ट इन दिस क्यूब। सेकेंड लेयर हम लोग बहुत ईजिली, और ये शॉर्ट वीडियो होने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सुई तो हमने पिछले पार्ट में फर्स्ट लेयर बनाई थी हमारी, एंड देन हमें ये वाली लेयर सेकेंड लेयर बनानी, एंड देन लास्ट ये हमारी थर्ड लेयर रहेगी। सो सेकेंड लेयर को बनाने के लिए बहुत इजी स्टेप्स हैं। सो देखो, मैं आपको ना नोटेशंस बताता हूँ कुछ। आप ना नोट कर लो अपनी डायरी में, ये ज़्यादा सही रहेगा आपको। सबसे पहले जैसे कि नोटेशंस ये हैं, जैसे आप लोग राइट को आप ऐसा बोलते हो ना, ये सब ये ऐसा नहीं है। देखो जैसे कि ये आपको राइट को ऊपर करना है तो आपको बोलना है आर, नीचे करना है तो बोलना है आर रिवर्स, आर इनवर्स। लेफ्ट का भी सेम एल का, लेकिन इसमें ऐसा है कि आपने जब आर को ऊपर किया तो एक क्लॉकवाइज टर्न हुआ है, यानी कि इसका आर और क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि आर इनवर्स। तो इसमें जब हम ऊपर करेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, यानी कि हम लोग इसे ये एल इनवर्स बोलेंगे। नीचे जाएगा तो एल बोलेंगे। एंड यू का भी सेम, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, यू 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 इनवर्स, डी डी इनवर्स, एफ एफ इनवर्स, और बैक का बी बैक, बी इनवर्स एंड बी। तो आप लोगों को ऐसा थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप अपना वीडियो पॉज करो एंड देन करो। वीडियो पॉज करने के बाद फिर अब आपको मैं नोटेशन में ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एक चीज़ होती है एल्गोरिदम्स। एल्गोरिदम यानी कि कुछ स्टेप्स की मूव रहते हैं, वो आपको लगाने रहते हैं। जैसे कि मेरे को ये ग्रीन का पीस यहाँ पे लगाना है। अब हम स्टार्ट करते हैं कैसे लगाना है। जैसे कि ये वाला ग्रीन का पीस है यहाँ लगाना है, आप बोलोगे यहाँ पे लग गया, ख़त्म बात, ये टूट गया। इसको लगाने के लिए फिर क्या करना है अपन को, सबसे पहले जिस भी साइड लगेगा, अगर ये इस साइड लगता या फिर इस साइड लग रहा है अभी, तो हम लोगों को इसके अपोजिट डायरेक्शन में टर्न करना है। टर्न हुआ एंड देन हमें ये वाला जो पीस है इसे ऐसे ब्रेक करना है। मैं आपको समझा, जैसे आपको क्या करना है, एल्गोरिथम है यू इनवर्स एंटी क्लॉकवाइज है, एंड देन एल इनवर्स यू एल, एंड देन आपको आता है ये जैसे लगाते हैं वैसे करते हो। तो यहाँ पे जैसे मैं आपको इजीली भी समझाता हूँ, यहाँ पे घुमाया आपने एंटी क्लॉकवाइज यानी कि अपोजिट डायरेक्शन, एंड देन इसे ऊपर किया एंड देन इसे ऐसे ब्रेक कर दिया। तो जैसे ये वाइट का है कॉर्नर, तो आप जैसे जैसे लगाते हो लगा दो एंड हमारा एक ये अंदर आ गया पैर। अब जैसे मैं पैर लेता हूँ, हाँ एक सिचुएशन इसमें बन गई है अभी जो मैं आपको बताता हूँ, कि जैसे एक ये जैसे ये येलो का पीस नहीं है, यानी कि इसे यहाँ नहीं लगना है, इसे यहाँ लगना है। तो आपको क्या करना है, इसे निकालने के लिए आपको कोई सा भी रैंडम पीस लेना है। जैसे मैं ये वाला पीस लेता तो इसको आपको अपोजिट डायरेक्शन में घुमाना है, क्योंकि यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे हम लगाएंगे इसे अपोजिट डायरेक्शन में लगाया एंड देन इसे ऐसे ब्रेक किया, ब्रेक हुआ एंड देन जैसे कॉर्नर लगाते हैं वैसे लगा दो, मैंने आपको सिखाया है पहले में। तो यहाँ पे ब्रेक हो गया एंड हमारा जो ये पीस है यहाँ पे है, कोई बात नहीं, ये हमारा निकल गया। एंड देन इसे हम जैसे घुमा जैसे लगाते हैं, यहाँ पे लेफ्ट साइड लगेगा तो ये किस साइड घूमेगा, राइट साइड, ये हमने राइट साइड घुमा दिया। एंड देन इसे हम जैसे ब्रेक करते हैं, ये ब्रेक की एंड देन ये हमारा पैर बन गया। फिर उसके बाद जैसे अपन लगाते हैं वैसे अपन को ये कॉर्नर लगा लेना है, ईजी। एंड जैसे ये वाला है ईजी, इसको भी यहाँ पे लगाएंगे तो इस साइड टर्न करना है ऐसे 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 एंड देन ईजी। और एक और सिचुएशन है इसमें, सिचुएशन ये है, मैं आपको आपको अभी क्रिएट करके बताता हूँ। हाँ ये लो, ये क्रिएटेड है।
अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे कि ये फ्लिप्ड है, सही जगह पे लगा है, सब सही है, भले ये सब सही है ना हो, गौर मत करो, ये फ्लिप्ड है। तो आपको इसे ठीक करने के लिए क्या करना है, वही जो मैंने आपको मेथड बताई है, ये पहले इसको, ये जैसे ये पीस मैंने चूज़ किया, रैंडम पीस चूज़ किया, इसे यहाँ किया, एंड देन इसे यहाँ किया, ऊपर किया, ब्रेक किया, एंड देन ये हम लोगों को जैसे कॉर्नर लगाते हैं वैसे लगा दिया, हमारा कॉर्नर अरेंज हो गया और ये बाहर आ गया। तो जैसे अब ये, अब ये राइट साइड जाएगा, तो किस साइड जाएगा ये वाला पीस, राइट साइड जाएगा, नहीं गलत, लेफ्ट साइड जाएगा, क्योंकि हम लोग अपोजिट में डालते हैं ना इसे, अपोजिट में डाला, इसे ऊपर किया, ब्रेक किया, एंड देन नीचे टर्न किया, क्यों, जिस जिस साइड लगना था ऐसे टर्न किया, एंड देन ये हम लोग ऐसे कर देंगे, लगा देंगे, एंड हमारी जो सेकंड लेयर है ये इजीली बन चुकी है। एंड ये वाला वीडियो बड़ा शॉर्ट था, क्योंकि ये सबसे इजी पार्ट है इस 3x3 रूबिक्स क्यूब का। एंड नेक्स्ट पार्ट है थर्ड लेयर, जो कि मेरे को भी सीखने में बहुत टाइम लगा था, तो आपको भी लगेगा, तो आपको इजीली मैं लेकिन समझाऊंगा, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में। अब तक के लिए मैं आपको बाय मिलता हूँ, इस वीडियो में इतना ही, चलिए बाय बाय।